मेरे वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। अभी कीजिए। Shaka everyone and welcome to another brand new episode. और आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच है एक बहुत ही wonderful guest, दर्शन। Yeah, thank you so much. दर्शन एक सिंगर और songwriter है। हाँ, मैं गाने लिखता हूँ और गाता भी। That's awesome. और मैंने सुना है कि आप किसी भी चीज पर गाना लिख सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं पूरा दिन यही करता रहता हूँ, बैठे बैठे गाने ही लिखता रहता हूँ, जो भी आइडिया आता है। नाइस नाइस, तो चलिए एक टेस्ट लेते हैं आपका। Yeah. चलिए आप एक गाना बनाइए। Maybe a Shaka. Oh, I can do that. Shaka guys, Shaka guys, Shaka guys. Oh, Shaka guys, Shaka guys. Shaka guys, Shaka guys, Shaka guys. Wow! Thank you so much. That was brilliant, man. आपकी आवाज तो बहुत कमाल की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप किस तरह के गाने लिखते हैं? आप रोमांटिक गाने लिखते हैं या फिर? हाँ, मैं बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग्स ही लिखता हूँ। ओह, तो मतलब आप रोमांटिक किस्म के लड़के हैं। या आई एम श्योर, जब आप ऐसे गाने वाने गाते होंगे तो बहुत सारी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती होंगी आपसे। मैं लड़कियों को अपने गिटार से इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं कॉलेज जाता था और कैंटीन में गाना गाता था, सोचता था कोई इम्प्रेस होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यू नो इट्स फनी, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था और उसने काम नहीं किया, क्योंकि मेरी सिंगिंग जो है बहुत ही खराब है। बट यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। लेकिन मेरे केस में मैंने सोचा क्यों ना मैं बस आर्ट ही करूं, क्योंकि मैं यही कर सकता हूं। हाँ, तो मैं आया हूं आपसे कुछ आर्ट सीखने के लिए। मैं आपको गिटार पे भी कुछ सिखाऊंगा और फिर हम दोनों कुछ मिलके करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड डील। ऑलराइट, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कुछ ऐसी चीज जिसे आप गिफ्ट कर सकते हैं उसे जिसे आप प्यार करते हैं। आई एम एक्साइटेड नाउ। ऑलराइट, तो हम बनाने वाले हैं मिनी प्लांटर्स, क्योंकि मुझे ग्रीनरी पसंद है और मैं रिसाइकल की बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्लांट एक ऐसा गिफ्ट है जो हर किसी को दिया जा सकता है। Yeah, that's true. क्योंकि वो ग्रो करता है, एंड यू ग्रोज विद दैट, राइट? तो चलिए बनाते हैं कुछ मिनी प्लांटर्स। और मिनी प्लांटर्स को बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए, और योर मटेरियल लिस्ट इज बॉटल, कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रश और एक्रेलिक कलर्स, पेपर, सीजर्स, स्पॉन्ज, वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे पास यहां एक बॉक्स है। या तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे भर देंगे विद पीओपी, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। या लेकिन उससे पहले हमें एक कैविटी की जरूरत है जिसमें हम प्लांट लगा सके। ओके, और उसके लिए मैं इसमें एक बॉटल रख रहा हूं। या सो आपको याद रखना होगा कि आप इस बॉटल को बिल्कुल सेंटर में प्लेस करें इस बॉक्स के। यस, मेरे पास यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस है। या इसमें वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि पीओपी बहुत जल्दी जम जाता है, तो इसीलिए आपको इसे फटाफट मिलाना होगा। yeah. के जमने से पहले, ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप किचन में करते हैं जब आप केक बना रहे होते हो। आप बनाते हैं केक? नहीं, मैं नहीं लेकिन मैं केक खा सकता हूँ गिटार बजाते हुए भी इतना तो मैं भी कर सकता हूँ ये काफी आसान है। सबसे पहले इस बॉटल को हटाइए। ओके, ताकि हम इसे आसानी से भर सके। या अब बॉक्स को पीओपी से भर देंगे। ओके, और अब बॉटल को अंदर डाल देंगे। एंड मेक श्योर आप इसे पूरी तरह से नीचे ना दबा दें। या क्योंकि आपको नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ना है। गैप? या मैं इसे पकड़ लेता हूं, और इसे सूखने में करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे। या और क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है, तब तक आप एक प्यारा सा गाना ही सुना दीजिए। ओ, व्हाई नॉट। जरा छू के लबों को तेरे, मुझसे कहीं ना अब दूर जा। सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का नया रंग लगा है, तेरा रंग चढ़ा है, रंग चढ़ा है, रंग चढ़ा
Wow, that was superb, man. बड़ा कमाल का गाना गाते हैं आप. So much. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके कैप को रिमूव करेंगे और इसके पानी को बाहर निकाल लेंगे बड़े आराम से. और अब जब पानी निकल चुका है तो बॉटल को आराम से स्क्वीज कर लेंगे. Yo, man. And there you go. तो हमारा प्लांट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है. इसके बाहर के ये टेप्स को रिमूव कर देते हैं. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ होल्स करने हैं ताकि पानी बाहर आ सके. तो हम सीजर्स लेंगे और इसमें ऐसे होल्स बना देंगे. अब हम कटर यूज करेंगे और इसे शेप दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर का सरफेस साफ नहीं है तो हम उसे एक स्मूथ सरफेस देंगे. थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी मगर अब ये ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है. ओके, तो अब बारी आती है पेंट की. मैं यूज कर रहा हूं कुछ मेटालिक इमल्शन गोल्ड. और अब मैं क्या करूंगा, पेपर से एक एरिया को मास्क कर दूंगा और स्पॉन्ज से इस कलर को डैब करूंगा. इस तरह से पेंट करना काफी आसान होता है. अब इस सरफेस को रिमूव करिए और दूसरी तरफ हम ये स्टेंसिल प्लेस करेंगे लाइक दिस. और इस पर भी सेम टेक्निक यूज करेंगे. और ये कंप्लीट हो गया है. इट्स कंप्लीट नाउ विद द हार्ट, विद द हार्ट ऑफ गोल्ड. यस, ओह इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. ऑलराइट, तो जब हमारा मिनी प्लांटर तैयार हो चुका है तो हमें बस ऐड करना है एक प्लांट इसमें. यस yes. तो ये हमारे कुछ छोटे से प्यारे से मिनी प्लांट्स हैं. आप इन्हें यहाँ प्लेस कर सकते हैं और आप इसे एक अच्छे से गिफ्ट पेपर में रैप कर दीजिए एंड गिव इट टू समवन यू लव. या